अपने वक्त का पहलवान है, हर बंदा जानता। मैं किसी भी कोई मेरा कोई किसी की सिफारिश नहीं मननी। जो बच्चा बड़े हो पाएगा मैं दूजे बंदे बता देगा। अज मुझे भाजी कहने तो मैं बड़े गाया कर देना। अभी फिर से आखिर किसान हो जाने जो बंदा अज फरमाएगा उन्हें खाने दो महीने बैल लग जाएगा। चाचा बड़े लाने तेरा खड़ा है सारे हासिल कराने तेरा स्टार खरीदा नू आवाज हो मेरी तमाम साखरी ले जाओ तेरा मुझे कौन तैयार है फिर वो मानती चार पैर में पाला पैर में चार पैर में फिर काला पैर में अपना जान गई।
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमर भट्ट है। तो तकरीबन अरसा 40-50 साल तो ना इतने कुश्तियाँ हो रही हैं शाद बाग 2 नंबर स्कीम दे लाहौर दे विच, जिहड़ियां के पूरे पाकिस्तान च मशहूर कुश्तियाँ गिणिया जांदियां ने। और यह देसी कुश्ती का शौक जिहड़ा ना बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाल पजीर इस वजह तो होया गया कि इहनूं हुकूमती लैवल ते कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। ऐसी अपने लैवल दे उत्ते जिहड़ा ना असीं कराने कुश्तियाँ और साडे वड्डे वडेरे जिहड़े ना वह कुश्तियाँ कराते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस टाइम जरा अगर देसी कुश्ती का शौक जिंदा तो वजह यह हैगी है कि शिमाली लाहौर के जी यूनियन बनी हुई है जिदे साडे चेयरमैन लाला शाहद पहलवान, तो वाइस चेयरमैन शहबाज पहलवान, आदल भट्ट साहब, हसन पहलवान सारे इंशाल्लाह ताला ना और इस शौक के नाल मुंसलिक ने। और साद खलीफे और फने पहलवानी की खिदमात से ना बहुत काम कर रहे हैं। जवाल पजीर इस वजह तो हैगी है कि इहनूं कोई दूसरी मुल्की लैवल से सपोर्ट नहीं किया जाता। अपने लैवल के उत्ते ही असी जिहड़ा ना इहनूं सपोर्ट करने हैं। उस्ताद खलीफिया की कोई पैरवाई नहीं की जाती, कोई इहनूं कोई नहीं सपोर्ट की जाती जिहदी वजह नाल जवाल पजीर है। सारे महकमे च हर महकमे के आर्मी पुलिस रेलवा वाबडा और साढ़े इंटरनेशनल लैवल दे विच हाल ही दे विच असी कॉमनवैल्थ दे विच 5-6 मेडल लैके आए हैं। इधर ब्लेड करंगा मारती बांह पाल पानी कर दिया।
ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਿਆਦ ਨਾਲ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਦਨ ਆਵੇ ਅਦਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ।